चलिए तो हम लोग देख रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस दिन प्रभावी हुआ? 15 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने। अगला क्वेश्चन है, जय प्रकाश नारायण किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? कांग्रेस समाजवादी दल, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी थी होम रूल आंदोलन के दौरान। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय था भारत में ब्रिटिश राज के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले दो प्रमुख नेता थे, एक राजन प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा। अगला है, नेशनल लिबरेशन ऑफ इंडिया किस कारण में अस्तित्व में आया था? आई कांग्रेस में नरमपंथी तथा उग्रपंथियों में मतभेद के कारण। अगला क्वेश्चन है हमारा, किन दो कांग्रेस अध्यक्षों को गांधी जी के अनुयायियों के विरोध और असहयोग के कारण पद त्याग करना पड़ा था? चितरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन सा मिशन भारत आया था? कैबिनेट मिशन। अगला है, किसके शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया तथा उसके 1,20,000 से अधिक सदस्यों को गिरफ्तार किया गया? लॉर्ड बेलिंगडन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अप्रैल 1906 में युगांतर नामक साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था? वरेंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ज्यूरिख स्थित इंटरनेशनल फ्री इंडिया कमेटी का अध्यक्ष कौन था जिसने बाद में इंडियन नेशनल पार्टी का प्रारंभ की थी? ये था चंपक रामन पिल्ले। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन से अरविंद घोष द्वारा लिखित डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस नामक लेख श्रृंखला संबद्ध है? स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भागीदार थे महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, आम जनता के लिए जीवन यापन तथा कार्य की बेहतर स्थितियां उपलब्ध कराने के लिए सन 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? नारायण मल्हार जोशी ने। अगला, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका प्रारंभ की थी? ये थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला, भारत विभाजन के संदर्भ में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के राजनीतिक स्वरूप के विषय में खान अब्दुल गफ्फार खान ने क्या घोषणा की थी? उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत ने तो भारत के साथ सम्मिलित होगा ना कि पाकिस्तान के साथ, वरन एक स्वतंत्र प्रभुता संपन्न पख्तूनिस्तान राज्य बनेगा। अगला है, अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आरजी हुकूमत हिंद की स्थापना कहाँ की थी? सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन है, एक कांग्रेस अधिवेशन में मूलभूत अधिकारों तथा आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया गया? कराची अधिवेशन में 1930 में। अगला क्वेश्चन है, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से कौन संबंधित था? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को। अगला क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना
में किसने दी थी? मैडम बिली बेट्स की एवं कर्नल ऑल कोट ने। अगला है आर्किटेक्ट होम इन द वेदाज वेदाज नामक ग्रंथ किसकी रचना है? लोकमान्य गंगाधर तिलक की। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। अगला है कांग्रेस के किस अधिवेशन में भूमि संबंधी 13 बिंदु का कार्यक्रम बनाया गया? फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन 1936। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया? लाला लाजपत राय की मृत्यु पर। अगला क्वेश्चन है स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी आकांक्षा पूरी कर सकता है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष का। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहकर किसने कांग्रेस की आलोचना की? लाला लाजपत राय ने। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, यह त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर में एमपी। अगला क्वेश्चन है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में। अगला है भारत विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? पंजाब ने। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के किस प्रांत ने संयुक्त एवं अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? देख चुके हैं हम लोग, पंजाब ने। अगला क्वेश्चन है किसका कथन है कि एक देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है और सुधार अथवा उत्तम राज इसके विकल्प नहीं हो सकते हैं? लाला लाजपत राय। अगला है चंद्रशेखर का जन्म कहाँ हुआ? उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ ग्रहण की? तो उनका जन्म याद रखिए वदरका उन्नाव उत्तर प्रदेश में, प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने झाबुआ मध्य प्रदेश में ग्रहण की। अगला क्वेश्चन है किस समाज सुधारक के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1891 में सम्मिलित आयु अधिनियम पास हुआ जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दी गई? तो पारसी सुधारक V.M. मालवा मालवा बारी। अगला है दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण में। अगला क्वेश्चन है भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किस नेता ने स्वीकार किया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। अगला क्वेश्चन है प्रेस पर सभी प्रतिबंध किसके समय समाप्त किए गए? चार्ल्स मेटकॉक के समय। अगला क्वेश्चन स्वर्ण हिंदुओं की फीसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला क्वेश्चन है गांधी ने भारत में प्रथम उपवास किस घटना के संबंध में रखा था? अहमदाबाद की मिल हड़ताल के विरोध में। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के दौर में अलीगढ़ में किस राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान को स्थापित किया गया था? यह जामिया मिलिया इस्लामिया। अगला क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कहां कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। अगला क्वेश्चन है किस स्वतंत्रता सेनानी को 1908 ईस्वी में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई? खुशीराम बोस को। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय ने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दिया था? ये थे सर शंकरन नायर ने। अगला क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? ये थे वैलिड टाइन सरोल ने। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरोध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था मुकदमा चलाए बिना किसी भी व्यक्ति को नजरबंद करना। अगला क्वेश्चन है किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो तथा भारत के विभाजन की घोषणा की? तो यह लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण क्या था?
बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना। अगला अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? पंजाब से। अगला क्वेश्चन है चोरी चोरा कांड कौन सा आंदोलन समाप्त हो गया? असहयोग आंदोलन। अगला है कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन कि किस एकमात्र बैठक में भाग लिया था? दूसरी बैठक में। अगला क्वेश्चन है हमारा 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की मदद की थी? नेपाल ने। अगला है अलीपुर केस में सरकारी गवाह कौन बन गए थे? नरेंद्र घोष। अगला है किस आंदोलन में कृषक एवं छात्रों ने एक साथ भाग लिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में। अगला है डॉक्ट्रिन ऑफ पेशिव रजिस्ट टेंस किसकी रचना थी? अरविंद घोष की। अगला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांतिकाल किस अवधि को कहा जाता है? प्रथम विश्व युद्ध का काल।